Hey guys, welcome to Kashmir Great Lakes Track. I'm Saransh. This is my first track. So, बहुत questions थे घर वालों के कि पहाड़ ही क्यों चढ़ना है. कोविड चल रहा है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट हम भी तो 1.5 साल से घर पे बैठे हैं. सो सारे वाई का आंसर वीडियोस के एंड. सो मैंने रायपुर से फ्लाइट ली दिल्ली को, 7 घंटे का ले ओवर था. एंड किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दिल्ली टू श्रीनगर की फ्लाइट में तुम सोना मत, बिकॉज व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे होंगे. एज यू कैन सी क्या मस्त मस्त पहाड़ है और क्लाउड्स हैं. सो फर्स्ट लुक ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स क्लाउड्स के आसपास ही थे, कुछ ऊपर भी थे, मस्त दिख रहे थे. कुछ तो मुझे लगा जैसे मुझे यहाँ से हिमालय से माउंट एवरेस्ट दिख जाएगा. नहीं, सो एयरपोर्ट से हमें पिकअप किया गया एंड हमें बेस लोकेशन सोनमार्ग ले जाया गया. रास्ते में सिन रिवर भी मिली, क्या नेचुरल साउंड. सो हमें बेस लोकेशन पे ड्रॉप किया गया है और यहाँ से आई थिंक 100 फीट या 200 फीट का हमें ट्रैक करना है, जो कि हमें अपना सामान खुद ही उठाना है वहाँ तक, जो हमारे बेस लोकेशन पे कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ तक के लिए. यहीं से दिल खुश हो गया था. सो डे 0 हमारा बेस लोकेशन. हमने सब ने अपने अपने टेंट्स अच्छे से एक्सप्लोर किए, क्या नज़ारे थे, हर तरफ ग्रीनरी और व्यूज़ तो बहुत अच्छे थे. जिन लोग प्रोफेशनल ट्रैकर्स उन्होंने बताया कि ये तो शुरुआत है, आगे देखो. ट्रैक्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं. ये हमारा डिनर टेंट था. और ऐसे माहौल में अगर चाय मिल जाए तो क्या ही बात है. सो डे 1 हमने कुछ 11,000 फीट पे हम गए, 10,000 पे थे, और टेबल टॉप करके जगह है वहाँ पहुँचे. यहाँ फर्स्ट डे था तो बहुत हालात खराब हो गई थी, लेकिन वी मैनेज्ड. व्यूज़ यहाँ पे बहुत शानदार थे, सब ने बैठ के मैगी नाश्ता वाश्ता किया. ग्लेशियर्स देखे और लेट मी टेल यू, इस पे चलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि ये भी शायद गिरते गिरते बचेंगे. ये देखो.
ग्लेशियर से मेल्ट हुआ वाटर था तो क्रिस्टल क्लियर और आइस कोल्ड था, प्योर नेचर। तो हमें इसके बाद 8 to 9 किलोमीटर्स का और रिवर साइड ट्रैक करना था। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई ट्रैक इज कि स्ट्रीम से हमें वाटर मिलता था जो कि बहुत मीठा होता था, मुझे तो बहुत पसंद था। और हमारे ट्रैक लीडर ने हमें रिवर क्रॉस करवाए नंगे पांव। I am also considering. Oh bhai. Oh bhai, kya thanda hai ye. So day 2 hame nichna hi pass chadhna tha, steep track tha thoda sa. Again I guess ye 11,000 or 12,000 ke beech mein tha feet. So humne apna warm up kiya and we started. पतले पतले रास्ते के एक पैर खस के तो आप सीधा नीचे, बट ये शुरुआत थी, आगे और डिफिकल्ट ट्रैक्स। हमारे ट्रैक लीडर हमें बुलाते थे आओ आओ, और हम हर जगह बैठ जाते थे, नजारे ही ऐसे थे। बेसिकली हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, देयर वर 2 बैचेस, दोनों के अलग अलग ट्रैक लीडर्स थे। हमारे ट्रैक लीडर थे विजय, जो कि हमारे साथ चल रहे थे, कभी आगे चलते कभी पीछे चलते कभी बीच में चलते। सो अभी हम निचनाई पास का फुल व्यू देंगे। तो ये रहे हमारे चश्मा पहने हुए विजय ट्रैक लीडर, और अभी हम फुल व्यू लेंगे निचनाई पास टॉप का। It was around 12,000 feet approx. ये जो वाइपर देख रहे हैं ये सब ग्लेशियर्स हैं।
बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखे हमने, सोर्स ऑफ वाटर मेल्ट होते हुए। तो यहाँ हमारा डे ख़त्म होने को आया और ये हमारा थर्ड कैंप साइट डे था। विष्णु सर लेक के पास में हमने कैंप लगाए थे सारे। सो इसके बाद हमें कटसर पास चढ़ना था, बीच में विष्णु सर कृष्णा लेक तो देखने थे एंड कटसर पास वॉज अराउंड 13,800 feet, इस पूरे ट्रैक का सबसे हाईएस्ट। सो डिफ़िकल्ट था, चैलेंजिंग था, वेदर के कारण और चैलेंजिंग था बिकॉज रेन होने की गुंजाइश थी। सो टेंट के अंदर हम कैसे रहते हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, बहुत गर्म होते हैं तो बस कॉफिन जैसे होते हैं, आप घुस जाओ और बस सो जाओ। एंड सुबह सुबह देखो बाहर के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। एज एक्सपेक्टेड रेन हुई, सो हमको अपना रेस्ट लेना पड़ा। सो हमने विष्णु सर लेक देखा, फोटोग्राफी स्टार्टेड। सो ये हमारा पहला लेक था विष्णु सर लेक। सो आइस कोल्ड वाटर एंड क्रिस्टल क्लियर, इतना क्लियर कि आपको इसमें माउंटेन की इमेजेस दिख रहेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब रेन के कारण कटसर पास में चढ़ना डिफ़िकल्ट था बिकॉज घोड़े स्लिप होते हैं, तो इसलिए हमें रुकना पड़ा। सुबह रेन हो रही थी इसलिए हमने फुल डे ही रुकने का प्लान किया एंड जब रुक गए तो फोटोग्राफीज वीडियोग्राफीज नज़ारे इतने अच्छे थे चारों तरफ। तो इस तरह हमारे डे ख़त्म होता है। हम फ्रस्ट्रेटेड थे और डरे भी थे कि हमारा नेक्स्ट डे ना ख़त्म हो रेन के कारण, एंड ऐसा ही हुआ। बहुत कोहरा था सुबह एंड रेन स्टार्टेड एंड वी गॉट स्टक। सो आगे दो ही ऑप्शन थे, यहाँ से आप या तो वापस जा सकते हैं या तो आगे जा सकते हैं, देयर इज लास्ट पॉइंट ऑफ टर्निंग बैक। सो आगे क्या हुआ, क्या हम आगे गए नहीं गए, उसके लिए अब देखिए इस पार्ट टू। I hope to be continued.